Good morning students, how are you all? I hope you all are fine and good. Today we are going to start our maths class for third class term 1. Today our topic is addition of 3 digit and 4 digit numbers with carry over. Example, add 545 and 147. लास्ट क्लास में हम क्या देखे विदाउट कैरी था, अब क्या है विथ कैरी है. तो क्या करना है 545 में 147 को ऐड करना है हमको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कॉलम्स में लिखना वंस टेंस हंड्रेड्स, ये कॉलम्स हमको फॉलो करना है. वंस की प्लेस पे 5 है, टेंस की प्लेस पे 4 है एंड हंड्रेड की प्लेस पे 5 है. नेक्स्ट वन की प्लस पे 7 है, टेंस की प्लस पे 4 है, हंड्रेड की प्लस पे 1 है. तो 5 प्लस 7 कितना होता 12, 2 कैरी 1. ओके कैरी 1 यहाँ पे ले ली. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब कैरी 1 यहाँ पे ले लिया ना, तो ये कैरी 1 प्लस 4 कितना होता 5, 5 प्लस 4 9. नेक्स्ट क्या करना है, अब टेंस का होगा ना. थर्ड स्टेप में क्या करना है, ऐड द डिजिट्स इन हंड्रेड्स कॉलम. अब हंड्रेड्स के कॉलम को ऐड करना, 5 प्लस 1 6. फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिजिट इन वंस कॉलम, वंस के कॉलम को ऐड करना. तो वंस के कॉलम में ऐड करो तो 12 हो रहा ना, तो 12 वंस मीन्स 110 रहता है और 2 वंस, तो 2 वंस यहाँ लिखना, 110 यहाँ पे आना, कैरी आता वो. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, ऐड 3536 एंड 5396. अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स एंड फॉलो दिस स्टेप्स. फर्स्ट क्या करना है, इसको कॉलम्स में अरेंज कर लेना. अरेंज करके क्या करते हैं, वंस टेंस थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड्स, ये कॉलम में अरेंज कर लेना. तो वंस फर्स्ट स्टेप में क्या करना, वंस की प्लेस में ऐड करना. तो 6 प्लस 6 कितने होते हैं 12, तो 12 मीन्स कितने होते हैं 12 वंस होते और 110 एंड 2 वंस भी होते. तो 2 वंस यहाँ पे लिखना, जो 110 है वो उसको कैरी ले लेना यहाँ पे, 1 कैरी. तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना, टेंस के प्लेसेस को ऐड करना. 3 प्लस कैरी 1 4, 4 प्लस 9 13, 3 कैरी 1. नेक्स्ट स्टेप क्या करना, ये कैरी 1 है ना, ये कैरी 1 प्लस 5 कितना होता 6, 6 प्लस 3 9. नेक्स्ट स्टेप क्या करना, 1000 की प्लेस को काउंट करना, 3 प्लस 5 8. ओके एक्सरसाइज 3, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स. क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स. वंस टेंस हंड्रेड है, यहाँ पे 8 4 2 8 4 3 है. 8 प्लस 8 16, 6 कैरी 1. 4 प्लस 4 8 प्लस 1 कैरी 1 9. 2 प्लस 3 5. नेक्स्ट 6 प्लस 2 8 प्लस 9 17, 7 कैरी 1. 4 प्लस कैरी 1 5, 5 प्लस 3 8. नेक्स्ट 6 प्लस 4 10, 0 एंड कैरी 1. 3 प्लस कैरी 1 4, 4 प्लस 5 9. 3 प्लस 2 5. नेक्स्ट 1 प्लस 2 3, 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1. 7 प्लस कैरी 1 8, 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1. 6 प्लस कैरी 1 7, 7 प्लस 2 9. नेक्स्ट 3 प्लस 7 10, 0 कैरी 1. 2 प्लस कैरी 1 3, 3 प्लस 8 11, 1 कैरी 1. 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 कैरी 1 11, 1 कैरी 1. 5 प्लस कैरी 1 6, 6 प्लस 3 9. नेक्स्ट 5 प्लस 5 10, 0 कैरी 1. 3 प्लस कैरी 1 4, 4 प्लस 6 10, 0 कैरी 1. 2 प्लस कैरी 1 3, 3 प्लस 0 3. कोई से भी नंबर में अगर 0 ऐड कर रहे तो फिर वही नंबर आता, 0 नहीं आता. ओके 6 प्लस 2 8. ओके नेक्स्ट बी, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड द फॉलोइंग इन योर नोटबुक. आप लोगों को क्या करना है, अब नोटबुक में लिखना है. तो नोटबुक में आप लोग कैसा अरेंज करना देखिए, बीबीट देखिए, आपके नोटबुक में इस तरह से लिखना,
एक्सरसाइज 3 बीबिट अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड द फॉलोइंग इन योर नोटबुक. तो फर्स्ट क्या है 387, 976 है, उसको कॉलम्स में लिख लेना. वंस की प्लेस के नीचे वंसेस आना, टेंसेस एंड हंड्रेड सेपरेट सेपरेट थोड़ा गैप देते हुए लिखना. ओके, 7 प्लस 6 13, 3 कैरी 1, 8 प्लस कैरी 1 9, 9 प्लस 7 16, 6 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 9 13. ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 5 17, 7 कैरी 1, 0 प्लस कैरी 1 1, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 8 18, 8 कैरी 1, 0 प्लस कैरी 1 1, 1 प्लus 9 10, 10 प्लus 1 11, 1 carry 1, 2 plus carry 1 3, 3 plus 1 4. Next 7 plus 6 13, 3 carry 1 5 plus carry 1 6, 6 plus 2 8, 8 plus 8 16, 6 carry 1 1 plus carry 1 2, 2 plus 3 5. Next 0 plus 8 8, 8 plus 2 10, 0 carry 1 6 plus carry 1 7, 7 plus 1 8, 7 plus 1 8, 8 plus 9 17, 7 carry 1 8 plus carry 1 9. ये दो क्वेश्चंस, फिफ्थ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क और सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है. ऐड करना है एज इट इज, ये कॉलम्स को ऐड करना है, इसमें ऐसा नीचे डालना. ओके, ये और ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है. और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की नोटबुक में एक्सरसाइज 3 बोलना, ए बिट डालना फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की डेट डालना, एक्सरसाइज 3 बोल के लिखना है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स बोल के लिखो. लिख के क्या करो, ये पूरी बिट ए बिट आप लोगों के नोटबुक में ये फर्स्ट लिखो. उसके बाद बी बिट है ना, ये बिट क्या करना है आप लोगों को, ऐसा लिखना है. लिख के क्या करना है, ये दो क्वेश्चंस होमवर्क के करना है, ऐड करना है. ओके, आपका होमवर्क टाइम से कीजिए, नीट कीजिए. आप लोगों को मैथ्स के लिए अलग से नोट्स रख रही है. ओके, थैंक यू.